भारतवासियों, आप लोगों के लिए एक गर्व की बात है। क्यों गर्व की बात है? क्योंकि हमारे पास ऐसे दो बड़े सुपरस्टार्स हैं जो कि बाहर के यानी कि हॉलीवुड के एक्टर्स को टक्कर देते हैं, वो भी हाईएस्ट पेड कैटेगरी में। नमस्कार, मैं हूं राहुल, स्वागत है आप सभी का चैनल में। चलिए बात करते हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। फोर्ब्स पत्रिका, जो कि एक बहुत फेमस पत्रिका है, और ये जो फोर्ब्स पत्रिका है, ये अलग अलग रिसर्च करती रहती है, लिस्ट बनाती है, सर्वे करती है, और हम सबके सामने वो लिस्ट लेकर आती है। अब हाईएस्ट पेड टॉप 10 वर्ल्ड के एक लिस्ट बनाई जाती है, जिसमें टॉप नंबर पर आते हैं जॉर्ज क्लूनी साहब। जॉर्ज क्लूनी यार इतनी अमेजिंग अमेजिंग फिल्में हैं, ओशन 11, ओशन 7, और वही जो ओशन जो कैटेगरीज 7 में नहीं है, सॉरी 11, 12, 13, ओशन 11, 12, 13 में है। अमेजिंग एक्टर है, हालांकि रिसेंटली उन्होंने ऐसी कोई ग्रेट फिल्म नहीं करी है। मैंने उनकी लास्ट जो फिल्म अच्छी देखी थी वो ग्रेविटी देखी थी। तो इस पूरी लिस्ट में जॉर्ज क्लूनी साहब नंबर 1 पर हैं, और आप लोगों को ये बात सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे और हैरान भी हो जाएंगे और बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे कि दो बड़े सुपरस्टार्स हैं जिन्होंने कि इस लिस्ट में टॉप 10 की लिस्ट में जगह बनाई है। एक है खिलाड़ियों के खिलाड़ी यानी कि अक्षय कुमार साहब, दूसरे हैं हमारे दबंग यानी कि दबंग भाईजान। जी हाँ दोस्तों, दबंग भाईजान की बात करें तो 9th पोजीशन पे आते हैं दबंग भाईजान, और इनके जो अमाउंट आती है सालाना वो आती है 38.5 US million dollar। ठीक है, 38.5 US million dollar पर सलमान खान 9th पोजीशन पे आते हैं। और वहीं हमारे खिलाड़ी कुमार, आप सब अचरज में होंगे कि खिलाड़ी कुमार नंबर 7th की पोजीशन पे आते हैं, और 7th पोजीशन पे उनकी जो अमाउंट आती है वो है 40.5 US million dollars। OMG, तो भैया ये हम जैसे भारतवासियों के लिए एक गर्व की बात है टोटली, कि हमारे इंडियन एक्टर्स ने बड़े बड़े हॉलीवुड एक्टर्स को पीछे छोड़ दिया है। अगर आप बात करें दोस्तों बड़े एक्टर्स जैसे ह्यूग जैकमैन की ले लीजिए, या फिर आप और किसी बड़े एक्टर की बात कर लीजिए, तो उनका इस लिस्ट में अभी तक नाम जो है वो पीछे है, यानी कि सलमान खान से भी पीछे है। तो हुई ना बात दोस्तों ये प्राउड की, तो आई एम श्योर आप लोगों को भी प्राउड हुआ होगा। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको क्या है कहना इस लिस्ट के बारे में। आई नो थोड़ा सा डिसहार्टनिंग है क्योंकि हमारे किंग ऑफ रोमांस शाहरुख खान साहब नहीं है, लेकिन लेट मी टेल यू, 0 के बाद शाहरुख खान जी का जो सितारा है वो ऐसा चमकेगा, ऐसा पलटेगा कि शाहरुख खान फिर से अपनी जो बादशाह वाली गद्दी है उस पर विराजमान हो जाएंगे। आपको क्या है कहना कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपको भी प्राउड फील होता है जब इंडियन एक्टर्स इस तरीके के अचीवमेंट पाते हैं और इस तरीके की जगह पाते हैं? कमेंट सेक्शन आपका है, आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। और इसी तरीके की इंटरेस्टिंग बातों के लिए मैं हूं ना राहुल बोझ, लेकर आऊंगा आप लोगों के लिए। टेक केयर।